आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के वर्तमान पट्टाचार्य संत श्रोमणि गुरुदेव आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज के परम पूज परमोपकारी दीक्षा दाता गुरुदेव दया सागर जी महाराज के जम्बूदीप महामंडल विधान के पूजन करते हैं। बार बार आता है वो तत्व चंदन, वो तत्व चंदन का मूल पुष्प है, परंतु आपने इसका भी सही उच्चारण भी नहीं आया लोगों को। कह तो देते परंतु इस बात से किसी को मालूम नहीं। कल मेरे से तो पूछा माता जी कि बार बार आता है माता जी के साथ ही माना जी के साथ ही भगवान जी के साथ ही एक ऐसा दुआ है कि समय चल जाता है। ठीक है, जिज्ञासा होनी ही चाहिए, ज्ञान प्राप्ति का साधन जिज्ञासा है, क्योंकि जो जिज्ञासु होता है वो खोजता है, जो खोजता है वो पाता है, और पाने के बाद उसी कार्य में एक नया उत्साह हो जाता है। शब्दों की पुनरावृत्ति मन को रोक तो लेती है कुछ समय के लिए, अर्थहीन शब्द का उच्चारण संगीत के साथ है तो कुछ समय के लिए मन रुकता तो है, उस तरफ झुकता तो है, परंतु रमता नहीं। यदि उसका अर्थ मान हो जाए तो मन रम जाता है। अब कहने तो हम तो बस माता जी कि छह दिन से मंदिर में ही रमे जाते हैं, जैसे कोई हाश करना खाना खाके आ जाता है तो मेरे से आ जाते हैं, सोते हैं और आते दिन पावे भी। जैसे आप कोई बनिया है, बनिया बनिए ना बिगड़िए, आप बन ही रहे, यहाँ पर भी पुण्य कार्जन कर रहे हैं, व्यापार जबरदस्त चल रहा है, व्यापार जबरदस्त चल रहा, पुण्य संपादन कर रहे, और जब पुण्य संपादन होगा तो वो व्यापार तो अपने आप चलेगा नहीं दौड़ेगा। तो आप बार बार कहते हैं उदक चंदन कंदुल पुष्प कहिए, आप कहते पुष्प कैसे कुछ आप उस पर बोलना है, उदक चंदन कंदुल पुष्प कही चरु सुदीप सुठूक फलार के कही, आप क्या कहते धवन मंगल ज्ञान रवा
बोले क्या नहीं है, गान है, धवल मंगल गान रवा कोई। पहली की लाइन में तो आज द्रव्य का नाम ले लिया आपने, दूसरी लाइन में अपनी भावनाएं व्यक्त की आपने, धवल मंगल गान है, धवल शब्द है, मंगल है और गान है और रवा को ले। रव्य का अर्थ होता है शब्द, शब्द से आकुलित होना। कौन से शब्द, कौन सा शब्द, एक लड़ाई से भी मंदिर आकुलित हो सकता है, तूतू मेवे से भी मंदिर आकुलित हो सकता है, परंतु उस पर एक विशेषण लगा दिया है, गान धवल मंगल। हे भगवान, आपके गान से वो भी कैसा मंगलकारी गान, पाप का तो नष्ट करे और पुण्य को लाए। भगवान का गान कैसा है, शादी में भी तो गाना गाते हैं, वो गान कैसा है, ये गान कैसा है, यानी से लिखा है भगवान जी के भगवान से यहाँ इस गुरु के पुस्तकों की बाइंडिंग की जाती है, जिल्द चढ़ाई जाती है। यदि बिगर जिल्द की पुस्तक है तो बच्चा 3 महीने में, यदि जिल्द बाइंडिंग होगी तो बच्चा 9 महीने रिजल्ट आने तक पुस्तक रखेगा। आप जो बाइंडिंग चढ़ा रहे हैं वो सुरक्षा के लिए चढ़ा रहे हैं, शादी में जो गाना गाया जा रहा है वो मोए की बाइंडिंग है और वैक्सीन बाइंडिंग है, पानी का भी असर नहीं पड़ेगा। परंतु यहाँ जो गान हो रहा है उसका विशेषण आचार्य ने लगा दिया मंगल धवल, जो हमारी कषायों की कलुषता को नष्ट करता है। सुख तो सुख नहीं है, सुखा भास है, इसलिए आचार्य ने विशेषण में भी विशेषण लगा दिया। इस अक्षर में लिखा गया है जो तुम्हारी अंतरिक्ष की परिणति से तुम्हें जोड़ दे, कहीं पूजन करते करते व्यवहाराभासी मत बन जाना, बस भगवान की पूजन कर दी हो गया मेरा कल्याण, कर जाना था और मूलचंद देख के रुक गए। लोग अपने मेहमान को बाहर से भेज देते, पति जी को एक और खुश खबरी सुनाओ कि पश्चिम यूपी में तो मेहमान को घर में खाना खिलाने की बजाय होटल में ले जाना ज्यादा पसंद करते, जो इसके स्थान में ठहरता है वह धर्म है। और इसके स्थान क्या है, क्या है, अपने आप को पालना। ये पूजन तो हमारे लिए क्या है, सिर्फ एक मीडियम है, साधन है। बच्चा जब रोने लगता है तो माँ गोद में रख के और टांग हिलाने लगती, जोर जोर से ऊपर से ठोकने लगती है। बच्चा जब पैर हिलता है माँ का तो उसको एहसास होता है मैं झूले में हूँ, और गाना जोरी सुनाती बच्चा सो जाता है। इस पूजन के माध्यम से आपकी कसाईयों को सुलाया जा रहा है, उस क्षण के लिए तुम अपने घर को भूल जाओ। माता जी ये कैसी बड़ी बात है, गवर्नमेंट तो कानून बना रही है आईडेंटिटी कार्ड साथ में लेके चलो, तो आप कह रहे हो उस घर को भूल जाओ, ये तो अपोजिट पॉलिसी हो गई। भाई कभी आपका एक्सीडेंट हो जाए तो आपकी जेब से आईडेंटिटी कार्ड निकाल के जाना जा सके कि आप कहाँ के और इंफॉर्मेशन दिया जा सके, तो हम आपसे कह रहे हैं कि आप अपने आप को भूल जाओ। वास्तव में जो लोकानुशासन है ये आत्मानुशासन है, लोकानुशासन नियमों को याद करने से चलेगा, आत्मानुशासन आपको भूल जाने से चलेगा। तो जो धवल शब्द लगा है वो आपको संकेत कर रहा है कहीं इस पूजन के राग रंग को ही धर्म का क्लाइमैक्स मत समझ लेना। ये तो जब बच्चा LKG में जाता है मम्मी ने कहती तुम्हें सब चूजा खरीदवा देंगे, पेंट खरीदवा देंगे, नई पेंट मिल जाएंगे, मामा से फोन पे बात करवा देंगे, इतने सारे प्रलोभन मिलते हैं कि बच्चा खुशी खुशी स्कूल चला जाता है। इसे हमारे आचार्यों ने किलो पंडती में
यदि ऋषभ आचार्य ने कहा है तो संगीत तो निश्चित नहीं करनी। आचार्य ने कहा कि संगीत से की गई पूजन विशिष्ट कर्म निर्ग्रह का कारण है, पर संगीत में नाम जाना विशिष्ट कर्म निर्ग्रह का कारण नहीं। संगीत से की गई पूजन जो मन समय गौधर्व इंद्र करता है तुम्हें तो कुछ नहीं आता, थोड़े से हाथ पांव हिलाए बस। वो तो क्लासिकल डांस करता है, इस तरह से डांस नहीं करता, क्लासिकल करता है। जो संगीत का सिद्धांत है, जो रूल्स है उसके आधार पे करता है क्लासिकल, और ऐसा डांस करता है कि एक पैर सुमेरु पर्वत पर तो दूसरा पैर मानसोत्तर पर्वत में। आपको तो थोड़ा ज्यादा हिलने को कहा जाए तो कैसे की सुनाई भी सुन जाए। जो हमारी यहाँ भक्ति का निषेध नहीं है, पर भक्ति में भक्ति का पुट कभी भूलना नहीं चाहिए। यदि हलवा में जितनी नीमी शक्कर उतनी डाली जाए तो मजा आ जाता है, और उससे ज्यादा शक्कर डाली जाए तो ऐसा ही संगीत का सहारा तो लेना है। लोकनाथ आचार्य ने स्पष्ट कह दिया है संगीत से की गई पूजन विशिष्ट कर्म निर्ग्रह का कारण है, क्योंकि ये मन चंचल चंचल है, इसको आर करो ध्यान की आदत है। आपसे भी माता जी ध्यान करना सिखा दो, अरे ध्यान तो आ गई है, हम लोगों से अच्छा ध्यान करते हैं। आप लोग हम लोगों से अच्छा ध्यान करते हैं, सिर्फ डिफरेंस है कि टॉपिक चेंज है। आपका आर क्रोध का ध्यान है, हमारा धर्म ध्यान का। आप आर क्रोध में इतने हमारे पास है, यदि हम सामय कर रहे हैं, कोई बाजू से निकला तो हमारे मन में हो जाता कोई निकला, उतनी तल्लीनता नहीं बनती है। परंतु आप कस्टमर को कटाने में इतने मजबूत हो जाते कि चाय पड़ी पड़ी ठंडी हो जाती है। बताइए ध्यान किसको अच्छा कर रहा था? आप कहेंगे माता जी हम इतने पीएचडी पारंगत क्यों है और आप क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो अनादि के संस्कार है। जो साधु बनता है वो इन संस्कारों का प्रतिकार करता है और नए संस्कार डालता है। डबल रोल है आपका, तो सिंगल रोल है, कोई पुराना कोई बहरूपिया पुराने। पहले भी दुकान के बारे में सोचो तो आप भी सोच रहे, पहले भी मकान के बारे में सोचो तो आप भी सोच रहे। वो तो जानवर भी अपने रोज के रास्ते पे चला जाता है। जो रोज की चलने वाली बैलगाड़ियां हैं, हमने देखा बिहार में जब लोग पैदल चलते तो उसका मालिक सोया रहता, क्योंकि उस बैल को मालूम है मेरे वो खेत से घर घर से खेत। आपको भी मालूम है आर करो ध्यान की कला क्योंकि अनादि के संस्कार। पर साधु अनादि के संस्कारों को तोड़ता है और नए संस्कारों को डालता है। इसलिए आप हमारे से आगे, उसमें पीएचडी है, गोल्ड मेडलिस्ट। तो उस ध्यान को लगाने के लिए उस आत्मा ध्यान से बचाकर धर्म ध्यान में लगाने के लिए संगीत आरंभ है। परंतु आचार्य कहते इसका उद्देश्य मत भूल जाए। बरात घर से चली, बीच बीच में नाश्ता की व्यवस्था रहती है और दूल्हा वही लोग जाए तो आपको मालूम आगे की स्थिति क्या होगी। हो सकता है दिल्ली तक छुपना पड़े, दिल्ली भी जहाँ लखनऊ तो जाने जाना पड़ेगा, दिल्ली तक भी जाना पड़ सकता है। जैसे वह अपने परिणय का उद्देश्य लेकर उस वधु नगरी तक जाता ही है, तो उसका दाम्पत्य जीवन चलता है। और बीच में यदि सामग्री में उलझ गया तो वधु से वंचित हो गया और जग हसाई हो जाती। इसी प्रकार चाहे आप हैं तो चाहे हम, जब दोनों का उद्देश्य है कि हमें अपने स्वरूप में स्थिर होना है, तो आपके योग के चौथे गुण स्थान की योग आपने अवलंबन लिया है भक्ति का। हमने अपने गुण स्थान के योग अवलंबन लिया है निर्वृत्ति मार्ग का, परंतु दोनों की मंजिल तो एक। इतना है आप उबड़ खाबड़ रास्ते से चल रहे हैं,
पैदल चल रहे हैं और हम लोग जीती रोड पर जरा स्पीड से चल रहे हैं। तो दोनों को अपने गंतव्य की ओर तो जाना ही है। तो जो धवल शब्द लगा है वो आपको ये कह रहा है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो उस सबका उद्देश्य है अपने आप को प्राप्त कर लेना। आजकल की शादियों की तो मैं नहीं कहती हूँ क्योंकि मैंने विशेष व्रत लिया और विशेष शादियां देने की जो कि रनिंग कंपनी में ब्रह्म व्रत ले लिया तो कोई एक दो वाली परसेंट की होगी। जब तक फेरे नहीं पड़े तब तक तो सा और फेरे पड़ने के बाद आप करते हो सा अपोजिट हो जाता नहीं। ऐसा ही जब तक मैं उधर नहीं गया किधर नहीं गया सिद्धांत जहां आज तक नहीं गया वहां नहीं गया तब तो पूजन साफ साफ साफ। और जैसे मैंने इस पूजन के द्वारा ये क्या है ग्रस्त अवस्था में पूजन दान की क्रिया है क्या बीज बपन है बीज बो रहे हैं आप इसका फल क्या है चैरित्र की प्राप्ति। वह पाप कर्म की निर्जना जो तीव्र चारित्र मोलनी कर्म का उदय है जिसके कारण संयम धारण के भाव नहीं बन रहे उन कर्मों की निर्जना। भरत चक्रवर्ती कितने मकान थे छह मकान थे भरत चक्रवर्ती के बहुत से कितने थे घर में सीप होना अशांति को आमंत्रण देना है। घर में हाथी दांत बड़ा महंगा है तो अस्थि है तो हड्डी वह तो हड्डी तंत्र शास्त्र के अनुसार यदि मंत्र घूकर वो हड्डी आपके घर में डाल दे तो कलह हो जाएगा छह महीने में घर बर्बाद वीरान हो जाएगा। और आप पैसा देके सीप लाते हैं और थोड़े से रईस हो गए तो हाथी दांत ले आए लाते नहीं तो बड़े अच्छे से कहते देखो सावधान है हाथी दांत की 130 बड़ा सुंदर है तो उन पर डोर कटर के जगह नाच भरत चक्रवर्ती का 24 घंटियां लगी थी उसको। और जब भी वो दरवाजे से निकलते तो एक हाथ ऊपर करते थे घंटियां बजती थी और मुंह से निकलता था चतुर विंशति कीर्तन करे दियो ये मैं चक्रवर्ती की बात कर रही हूँ उस भरत की बात नहीं कर रही हूँ जिन्होंने अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त किया। मैं उस भरत की बात कर रही हूँ जो 96,000 रानियों के साथ था। उस भरत की बात आपके साथ करने से कोई फायदा भी नहीं है। उस भरत की बात कर रही हूँ जिन्हें सुना कि मुनि महाराज नगर में आए हैं तो तुरंत कहा ये राज्य की ओर प्रस्ताव राज्यसभा की ओर गए वहां उद्देश्य क्या था कि मेरे को तो जाना है अपने घर ये तो रास्ता है। तो धवल मंगल जो शब्द धवल लगा है वह आपकी स्तुति भजन कैसी होना चाहिए एक उद्देश्य होना चाहिए कि प्रभु मेरे में वह सामर्थ्य नहीं है कि मैं निरालंब ध्यान कर सकूं इस सावलंबन ध्यान के द्वारा मैं तो आपके दरवाजे को खटखटा रहा हूं। दिल्ली में वीकली ड्रा निकलता है लोग कहते हैं आज तो शुक्रवार है लक्ष्मी आपका दरवाजा खटखटा रही है हो सकता है रविवार के साथ आपकी जिंदगी भाग्य खुल जाए। इसी प्रकार यह पूजन भी एक लकी ड्रा है। समय तुमने में कितनी देर लगती है समय की घंटी बजा के नहीं आएगा आपका दोस्त एक कॉल लेकर कॉल कर देते हैं मोबाइल पे आप नंबर देख के समझ जाते आ रहा है ऐसा समय दर्शन रिंग दे के नहीं आएगा क्या मालूम किस क्षण परिणामों की विशुद्धि करे किस समय वह अनंत अनुबंधी किस समय उत्तम संयुक्त को प्राप्त हो जाए। ऐसा वह गान जो धवलता को देने वाला है एक शास्त्र धवल की ओर संकेत करता है
ऐसे धवल मंगल कान, ऐसे कान से जो पाप को नष्ट करता है, पुण्य को पूरित करता है, पुण्यानुष्य पूरित। पूज्यपाद स्वामी ने समाधि भक्ति में और कुंद कुंद स्वामी ने समाधि भक्ति में कहा है पुण्यानि पूरित, जो पुण्य को पूरता है। पूर्णा शब्द लिखा है, भरना नहीं लिखा। भरना का अर्थ क्या होता है? एक डिब्बा है और मुंह तक भर गया, वो तो क्या है? भरना। और पूर्णा का अर्थ क्या होता है हिंदी में? इतना भर देना कि सामने वाला उससे घबरा जाए। जैसे आप कहते हैं घर को कचरा से पूर दिया है, गंदगी से पूर दिया है, यत्र तत्र। इसी प्रकार पुण्यानि से पूरित, पुण्य से पूर देता है, दवा लग भर देता, चारों ओर इनको भर देता। ऐसी क्या पूजन धवल मंगल गान रवा को नहीं, ज्ञान नहीं है, गान है। आप तो कुछ भी बाजे नहीं बजा रहे, इतने बाजे बसे हैं आपके यहाँ तो उत्तर भारत में। सब नई नई स्टाइल आ गई है। यदि पंचकन्या देखना है तो कभी साउथ इंडिया में एक बार देख लेना, इतने किस्म के बाजे होते हैं कि वास्तव में हमने भी इतने लंबे बिहार में कहीं एक लंबी की ऊँ कितने शब्द निकलते हैं। जब ने आचार्य अकलंग देव की जन तपोभूमि पर पंच का नारा कराया तो हम देख के घबरा गए। कम से कम 250 वाले कोई पी एक लंबी चौड़ी गोल, और जब एक 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 भगवान का जन्म हुआ और एक एक का बाधा बजा तो कम से कम 30 मिनट लग गए। फिर नए वाले मैडम तो हुए हुए, पर उन्होंने कहा माता जी पहले हम अपनी परंपरा से सब मंगल ध्वनि बजवाए। और आपको सुन के आश्चर्य होगा साउथ इंडिया में कैसा संगीत आता है, एक शब्द नहीं होता है। फिल्मी गाना तो इसका रखता, और हमने उसमें भर दिए सांतरस के शब्द, सांतरस के शब्द भर दिए नहीं। अब मान लीजिए एक गाना का भजन मेरे को अच्छा नहीं लगता तो चीज बढ़ी है बस, पूरा श्रृंगार रस का भजन है नहीं, अब उसमें हम शांत रस का शब्द जोड़ देते हैं, परंतु संगीत तो श्रृंगार रस का ही चल रहा है। भले शब्द बदल दिए आपने, परंतु वो शब्द के साथ जो संगीत है वो तो श्रृंगार रस का है। श्रृंगार रस में भी संयोग रस का, वियोग रस का नहीं है। हिंदी में जो आप पढ़ते हैं और शब्द तो है आपके शांत रस के, भक्ति रस के, वो कहां से तालमेल बैठेगा? तो हमारे आचार्य ने कहा धवल मंगल से बात करिए, जहां कषाएं शांत हो वह गान, जिस गान के द्वारा उसे एहसास होने लगे कि तूने अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ खोया, जहां अंदर की कड़ियां टूट जाए वह गान, जहां विषय कषायों का समन हो जाए, उफन की दूध पर दो बूंद पानी डालो तू शांत हो जाता है, वह गान जो आया था गुस्सा में, देख लूंगा मेरे को तो विधान का कोई सूचना नहीं थी और आते इसे हो गया शांत। ऐसा गान, जिस गान में आजकल की जो नई पूजन होती है उसमें तो भगवान के साथ भाषणबाजी है, भाषणबाजी जैसा तू वैसा मैं। पहले देखिए अभी आपने जो आज पूजन कराई है उसकी जय माल देखी की प्रकृति नाथ जीते दो तेरा। हे प्रभु आपने 64 प्रकृतियों को नष्ट किया, वहां 4 कर्म नहीं होना क्योंकि 4 कर्म की होती नहीं, कर्म की 63 क्योंकि 4 भारतीय कर्म की 63 प्रकृति होती नहीं, तो सैद्धांतिक विरोध है वो, तो कर्म की 63 प्रकृति नाश। हे प्रभु आपने त्रिपुरी प्रतिगम नाश कर दिया और क्या किया 18 दोषों को नाश कर दिया। जब यह आत्मा सोचे कि हे आत्मा तू 18 दोष मंदिर की सीढ़ी के बाहर छोड़ के नहीं आ सका, तेरे से और भोकावास कौन होगा, तेरे से बड़ा स्वयं का शत्रु और कौन होगा। हे प्रभु तुमने तो 18 दोषों को जीत लिया, ऐसी महिमा मिली, ऐसी भाषा प्राप्त हुई जो सब जीवों को अपनी अपनी भाषा समझ जाए। गुरु की महिमा बढ़ने न जाए,
क्या कह रहे, गुरु की महिमा, गुरु की आज जयमान पढ़ते हैं, गुरु के गुणों का वर्णन करते हैं, लास्ट में कह रहे थे गुरु की महिमा वर्णीन अपार, कितना सार भरा है इसमें। परंतु हम साधु ना होने, ना होने पर साधु की पुष्टि तो करे, पीछे ना करे पर पीछे वाले के पीछे तो लग जाए, पीछे नहीं ले रहा ही मत लो, पीछे वाले के पीछे तो लगे रहो। नहीं माता जी, हम तो आपके आगे चलेंगे, सभी हमारा पूरा कवरेज होगा, पीछे चलने का धोखा। तू वह भगवान जिससे कसाय सुमित, जो आज कसाय मैंने कल दिन भर में भरी थी, वह पूजन से भूल जानी चाहिए। ये तो पूजन आत्मा का स्नान है, शरीर का स्नान घर में किया था, आत्मा का स्नान प्रभु के गुणों के द्वारा किया। रोज की रोज फिजिकली वॉशिंग, शारीरिक शुद्धि, रोज की रोज भावात्मक शुद्धि क्यों नहीं, उसी के लिए है पूजन, उसके लिए चाहिए धवल मंगल गान रवा खुली, मन में गुंजायमान हो जाए। किसने आधा बोला आधा खाया, हमने देखा पूजन लोग ऐसे करते, तुम देख रहा हूँ हीरो का जो व्यक्ति देख रहता करे सुरंज बाबू जी स्वाहा, ये क्या पूजन है। आपने कल ज्ञाना समय ज्ञान की अर्घ चढ़ाते हुए कहा था, चार विनयाचार अर्थाचार शब्दाचार, जो जैसा सत्य है वैसा ही शुद्ध पढ़ोगे तब अगले जन्म में ज्ञान की प्राप्ति होगी, इसी ब्रिलियंट वर्क में मेमोरी पावर आईक्यू बढ़ेगा, क्योंकि ज्ञान वर्णी कर्म का संसम होगा। अब भेड़ बना के सैलेड बना के लो, पूजन तो खा लेते हो, चालू किया नवदेवताओं की रम्य पावनी का, जो आधे अधूरे शब्द पढ़ता है ज्ञानावरणी कर्म का बंद करता है। तीन पूजन मत करो, एक पूजन करो, बिल्कुल भगवान नाराज होने वाले नहीं है और कोई स्पेशलिटी मिलने वाली नहीं, परिणाम की शुद्धि के साथ एक पूजन हो गई तो एक पूजन में वह क्षमता है कि जिनवा के पापों को हो सकती है। तो वह दान हो जिससे कसाईयों का संबंध, जिन कसाईयों को बीच पर मैं बाहर लेके आया, जब आप रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, कुली को बुलाते हैं, कुली ने आपका सामान उठाया, आप ऑटो रिक्शा करने में थोड़ी देर करते हैं, तो कुली कहता बाबू जी इसका अर्थ क्या है, क्यों कहा उसने कि बाबू जी जितने में करना रिक्शा जल्दी कर दो, मेरे सिर पे भार है। पहली बार में तो कहता निपटा लो, दूसरे बार कहता बाबू जी रखा हो गया, क्योंकि पुली पैसे पहले ले लेता होशियार है, क्योंकि ट्रेन आने से बाबूजी चढ़ गए तो मेरे पैसे रह जाएंगे। तो वो पहली बार जो बाबूजी कहता है उसमें कितनी वेदना है, शायद इसी आवाज के साथ आपको भगवान को पुकारना चाहिए कि हे प्रभु इस संसार में फंसा हूं, व्यापार धन आदि तो करना ही पड़ता हूं, हे बाबू जी हे कर मैं बहुत कर चुके, अब हमें तुम्हें नहीं चाहिए, हमारा तुम्हारा संबंध। इस प्रकार गान होगा तो पूजन में भाव कैसे नहीं लगेंगे, अवश्य लगेंगे। और मैं चुनौती के साथ कह सकती हूँ, ये गान सिर्फ मंदिर को गुंजायमान नहीं करेगा, तुम्हारी चर्या को गुंजायमान करेगा। जब कंप्यूटर काटे में भी नीचे चुंबक लगा के भजन थोड़ा सा कम बिगाड़ना चाहोगे, तब अंदर ये आवाज कह देगी कि हे तुम पूजन करने वाले भगवान के सामने तो तुम मंदिर गुंजा के आए हो और खुद के मन को तुमने गुंजायमान नहीं किया। तो इस प्रकार भवल मंगल गान रवा दे, ऐसा सब मन ही मंदिर ही नहीं, मन भी गुंजायमान हो जाए। तो वो अच्छी मनपसंद पिक्चर देख लेते हैं, उसका गाना अंदर अंदर गुनगुनाते रहते हैं, बताओ गुनगुनाते हैं तो ये अंदर थोड़ी गुनगुनाया जा सकता, क्योंकि उतनी तल्लीनता से गाना गाया ही नहीं है, गाया ही नहीं। वो तो चल रहा सुन के आप फरमाई थी और उसको आप 200-1 रुपए इनाम देके कहते हैं भले गाना और फरमाया जाए, कैसे खरीद के ले आते हैं,
बताइए आपको ऐसा कौन व्यक्ति मेरे को हाथ ऊंचा कर दे कि जो व्यक्ति रोज सोलोड़ के घर में भक्तांबर की कैसे या पूजन की कैसे लगाता है। वो तो सिर फोड़ने वाला पॉप म्यूजिक चालू हो गया धुमाधम तम। मैं तो उसको पॉप म्यूजिक नहीं बोलती, पॉप म्यूजिक बोलती हूँ। पॉप म्यूजिक है वो। आप एक क्लासिकल म्यूजिक सुनिए कितने परिणाम शांत हो गए, और पॉप म्यूजिक सुनने के बाद कितना आक्रोश बढ़ता है मन में। तो वो पॉप म्यूजिक, तो वो पॉप म्यूजिक ना सुने, कम से कम भक्तों पर आ नहीं रहा है, पढ़ते नहीं बनता, तो सुनो तो। इस प्रकार यह गुंजन रवा कुले शब्दों के द्वारा मन को तो मंदिर को तो गुंजायमान करना ही है, साथ साथ मन को भी गुंजायमान करना है। इस प्रकार अब जब भी आप कहते हैं टूटा के चंदन तंदुल से, तो आपके आगे ग्रंथों को भी जानते हैं टूटा के चंदन तंदुल पुष्प कई चरुत गीत सुदूर पर आहत कई। आपने उदक चंदन कहा जल चंदन, तो उसी भी अस्त्र द्रव्य लगाने के बाद आप क्या कहते हैं राष्ट्र में धवल मंगल दान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महाम यदि। ऐसे आध्यात्मिक वैभव के साथ, ऐसे धार्मिक वैभव के साथ हे प्रभु मैं आपकी पूजन करता हूँ जिन ग्रह में। तो जिस दिन ये जीव ग्रह की जगह मम हृदय हो गया तो जीवन में बेड़ा पार हो जाएगा। तो इसलिए अब अपने सिलेबस में थोड़ा सा चेंज कर देंगे, और जब भी दुर्गति चंदन रो लेंगे तो अंदर के तार छंत्र हो जाना चाहिए, और एक ऐसा भक्ति स्वर बनना चाहिए जो हमें पुनः कल मंदिर आने के लिए बांध ले, कल के दिन पूजन के लिए आना। बोली परम पूज आर्य का रात कृष्ण विष्णुपति माता जी की वास्तव Thank you.
कौन देंगे? आओ भाई मुखिया जी आओ, सुन लीजिए। नहीं आया अभी तक, हमें पूजा में क्या करना नहीं आया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोई खड़ा हो रहा, पूजा कर रहे हैं। और माता ने कहा था अभी हमें पूजा में सही उच्चारण भी करना नहीं आया। हम कैसे उच्चारण करते हैं माता जी ने खूब अच्छी तरह बताया। दूसरा प्रश्न है, पहले पूछा था आज भी पूछ रहा हूं, पूजन क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 12। बैठ जाइए, है आ जाइए। Thank you.
Thank you.
सरस्वती माता जी चरणारविंद गुरु भक्ति पूर्वक करके मेरे स्वामी जी ಜನಾಲಯ ಸಂತ ಶ್ರೋಮಣಿ ಗುರುದೇವ ಆಚಾರ್ಯ ಅಭಿನಂದನ್ ಸಾಗರ್ ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಜಿ
की। परम पूज्य परम उपकारी दीक्षा दादा गुरुदेव दया सागर जी महाराज की। जम्मू दीप महामंडल विधान की। कुछ संत जन्म देते हैं, सज्जन जन्म देते हैं और कुछ दुर्जन जन्म देते हैं। कुछ दुर्जन भी अपने नाम से संसार में याद किए जाते हैं और कुछ सज्जन स्मरणीय पूजनीय वंदनीय हो जाते हैं। समय के साथ सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सभी व्यवस्थाएं बदलती हैं। इसी परिवर्तन के दौरान इस देश में एक ऐसा समय आया जिसे हम पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में कह सकते ब्रिटिश गवर्नमेंट का पीरियड आया और उसके पहले मुगल शासकों का समय आया जब दिगंबर जी मुनिया संत जो कि शक्ति की खोज स्वयं करते हैं और अन्य जीवों की शक्ति की उपासना करने का साधना करते हैं परंतु वह उस समय ऐसा आया जब इस देश में दिगंबर मुनि पूर्ण रूप से अनुपलब्ध तो नहीं थे परंतु जन सामान्य को दर्शन के लिए मिलना बड़ा दुर्लभ था। समय हमेशा करवट बदलता है, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता और चलना ही परिवर्तन होना ही समय का स्वभाव है। जीवों का पुण्य का उदय आया और धर्म रूपी अमृत पान करने का पुनः सौभाग्य प्राप्त हुआ लोगों को। तीर्थंकर का अभाव हो गया, उस अभाव को दूर करना तो हमारे हाथ की चीज नहीं है परंतु जिन मुनियों जबकि हमारे पूर्व जैनाचार्य ने कहा कि पंचम काल के अंत तक सम्यक दृष्टि मुनि आयुषा और श्रावस्था आपको आला सहते से याद रह जाता है मुनि आयुषा मुनि आयुषा सम्यक दृष्टि होना चाहिए श्रावक आला सहते से पढ़ते आप सम्यक दृष्टि मुनि आयता और श्रावक और मुनि माता जी की फैक्ट्री कहां पर है श्रावक के यहां जैसा श्रावक होगा वैसा मुनि जैसा श्राविका उस घर में पलेगी वैसी वो आयता बनेगी। इसीलिए आचार्य ने अकेले ये नहीं कह दिया कि सम्यक दृष्टि मुनि और आयता श्रावक श्राविका दोष जब तीर्थंकरों के समय में भी विशिष्ट तीर्थंकरों के समय में विशिष्ट समय के लिए भी धर्म का लोप हो गया। यदि पंचम काल में कलयुग में उस समय मुनियों का लोप हो गया या जिनकी मात्रा अल्प बहुत अल्प हो गए ऐसा समय भी आया परंतु भूमि के संत नहीं एक शिशु ने जन्म लिया संत तो वो बनेंगे अभी एक ऐसे शिशु ने जन्म लिया जन्म ही नहीं लिया मां के उदर में सिर्फ आया पूज के गुण पाने में ये लोगों की आचार्य शांति सागर जी के जीवन में और लोगों की को नया रूप लेना पड़ा पूज के गुण पेट में हिंदी में कहते पूज के गुण पाले में परंतु आचार्य शांति सागर जी के लिए कहना पड़ेगा पूज के गुण पेट में क्योंकि जिस समय आचार्य शांति सागर जी
मैं आचार्य शांति सागर जी के जीवन के दो पक्ष आपके सामने रखूंगी, एक गृहस्थ अवस्था जिससे कि आपको सीख सके, एक उनका त्याग में जीवन जिससे हम कुछ सीख सके। दो बातों को मैं आपके सामने रखूंगी। तो जिस समय आचार्य शांति सागर जी अपनी माँ के गर्भ में आए, माँ को क्या इच्छा हुई, क्या हुई, 108 सहस्त्र दल कमलों से। सहस्त्र दल मतलब क्या हो गया, जिस कमल में 1000 पंखुड़ियां हो, ये कमल है, 108 कमलों से भगवान की पूजा कर। सोच लीजिए, सूर्य बादल में भी रहे फिर भी उष्णता को देता है, वह पुण्यशाली आत्मा भी यहाँ इस भूमि पर नहीं है, माँ के उदर में है, फिर भी पुण्य प्रकृतियों का प्रमाण देखिए कि माँ को कैसे भाव, आज की माँ को कैसे भाव बनते आपको मालूम। क्योंकि हमारा सौभाग्य है, हमने जब तक दीक्षा के पहले ना किसी का जन्म देखा ना किसी का मरण देखा, मेरे को मालूम नहीं तू तब पता का कैसे क्या लगता, तो कभी हुआ नहीं। तो आज आप क्या आपके अंदर भावना है बंदी, आपको मालूम है उस समय सोलापुर में उस समय राजाओं की व्यवस्था थी और राजाओं के बड़े बड़े सरोवर होते, सब राजा को पता चले ये कैसे थे, जैसे आप रहते हैं चौधरी सौराट करते हैं, ऐसे ही राजस्थान कर्नाटक में होते पार्टी, चार गांव का पार्टी, छह गांव का पार्टी, 32 गांव का पार्टी, 16 गांव का पार्टी, पुलिस पार्टी, जो जज का काम करता। तो आचार्य शांति सागर जी के उधर में निरस्थित होने पर उनकी माँ को जब ये भाव बने, क्योंकि पिताजी सोचने लगे सहस्त्र दल कमल हो रही, एक नहीं 108 कहां से ना। बात सब में फैलती गई फैलती गई और समीपस्थ नगर के राजा को पता चला कि पाटिल के घर में इस प्रकार का दौरा उत्पन्न है, तो वो आदेश भेजते कि आप आइए कोल्हापुर और हमारे सरोवर में जहां से पानी लेना भी राज्य की अनुमति से लेने पड़ता है, उन्हें संदेश भेजा कि आप यहाँ कमल है ले जाइए और उनकी इच्छा पूरी की। ये तो बच्चा उदम है, जब बच्चे ने जन्म लिया, अब बात हो गई 100 साल उम्र, लोग तो समय मन विसर्जन के लिए वहां ही जाते थे, उन्होंने जब देखा कि एक मेंढक कहाँ है सांप के अंदर, अब इसको अभयदान कैसे दिया जाए, तो अपने हाथ में जो पीतल का लोटा था उसको पत्थर पे इतनी जोर से पटका कि उस आहट से सांप मेंढक छोड़कर भाग गया। कोई ऐसे से करेगा क्या, पीतल का लोटा थोड़ा प्लास्टिक का डिब्बा भी नहीं पकते। ये है पुण्यशाली जीव के लक्षण, सु माँ के सुसंस्कार, माँ जब बच्चा जब गर्भ में था तो माँ के सुंदर विचार। आज आपको शासन की धर्म की ये बातें विश्वसनीय नहीं लगती है, परंतु विदेश में आज भी जो बच्चा गर्भस्थ उस बच्चे का ट्रीटमेंट लागू हो गया और उसके मेंटली ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा, बच्चा इंटेलिजेंट बने, बहुत जन्म लेने के बाद होशियार हो, एक्टिव हो, ब्यूटीफुल हो, इसके लिए भी देखो में ट्रीटमेंट चालू हो गया, वो तो बात करिए सरकार। परंतु जब आदत से बात कही जाती है तो आपको जल्दी बात नहीं मिलती, वो माँ के सुसंस्कार थे कि बच्चे ने सोचा नहीं कि मेरे को घर जाके डॉक्टर कर सकती है, माँ कहती थी बेटा लोटा खराब करके आ गए, अब सांप चला गया मेंढक अकेला, अब टूटा टूटा लोटा टूट गया, चुपके से लाके रख दिया, अब माँ ने पूछा कि तो यार हमारी दर है, कन्हैया को क्या बोले, तो यार हमारी दर इसे किसने किया, आज का बच्चा क्या करता बताओ,
भैया ने किया होगा, दीदी ने किया होगा, अपने आप हो गया होगा, परंतु स्वयं उनके कहते मां ये मैंने किया। कैसे किया? उन्हें पूरा प्रकाश को सुना दिया, मां ने पीठ थपथपाई, बेटा तुम जैन कुल में पैदा हुए, तुमने अपने जैनत्व की रक्षा की। ऐसी मां थी, आज की मां के लिए तुम कितने कितने को बचा के बैठे ना, वो तो रोज बता में अभी तो कर्म नया मंगाया था मन और तुमने तोड़ दिया, पर धन्य हो मां। और देखिए और चला ग्रस्त जीवन आगे कर्नाटक में आज की तारीख में विजय है 80%, बल्कि मेरे अनुसार तो 85 और 90% लोग पशा है। जैसे आप सुबह दुकान चले जाते वो लोग के चले जाते, बीच में इंटरवल में आप घर आते वो भी ऐसे घर आते, फिर शाम को चले। तो आचार्य शांति ठाकर जी भोज ग्राम वहां ज्वार की खेती ज्यादा होगी, अभी भी प्रेजेंट में। तो जब ज्वार का फुल सीजन आता है तो ज्वार पक जाती है, जब पकने के बाद तो तब मिट्टू जाता है, तो लोग क्या करते हैं एक पुराना कनस्तर में लकड़ी मांगते हैं, तो उसको रस्सी से लाते हैं, आवाज होती तो तोड़ते हैं, मिट्टू जो भी हो जाते हैं। पर आचार्य शांति सागर जी अपनी बाल्य अवस्था में जिस समय वो घर में थे क्या करते, बिल्कुल अपने खेत में कभी वो कनस्तर नहीं मांगा उन्होंने, बल्कि एक मिट्टी के पात्र में पानी और रख देते थे। लोग पूछते भाई तुमने ये पानी क्यों रख दिया, बोले आजू बाजू के खेत में जाओ तोता ज्वार खा के आएगा तो उसको प्यास तो लगेगी और पानी की व्यवस्था करते। तो क्या करते, खेत की तरफ पीट करके बैठ जाते। कैसे बैठ जाते, पीट करके, कहीं मेरे को देख के ये तोते मिट्टू भाग ना जाए। सब जाके शिकायत करते कि तुम्हारा बेटा तुम खेत पे भेजते हो कि खेत ज्वार बन जाए, ये तो उनको खिलाता और पानी की व्यवस्था करता है। घर के उनके माँ बाप उसे कि आप ऐसा करते नहीं, बुरी तरह मार दिया, तो कहते चिंता मार लेगी, तो चिंता मत करो, अल्लाह के अंदर है जो धान न भर देते, सबसे ज्यादा हमारे घर में भी धान में आएगा। और प्रत्यक्ष में देखा गया साल के अंत में सबसे ज्यादा ज्वार आचार्य शांति सागर जी के घर में ही होती थी। क्या था अतिथि, कोई देव आ गया हो, चमत्कार, कोई चमत्कार नहीं, ये था शुभ परिणामों का फल, मंद कषाय का फल। और देखिए कपड़े की दुकान थी, कर्नाटक महाराष्ट्र हमारे पास आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा वहां तो आज भी लोग सोला हाथ की साड़ी पहनते हैं, तो ऐसी साड़ी रखते बिकती थी। हमेशा समय सार का स्वाध्याय करते उनके साथ एक लिंगायत, आप जिन्हें ब्राह्मण कहते हैं कर्नाटक में उन्हें लिंगायत, ब्राह्मण के समकक्ष रहते हैं। तो दोनों बैठ के समय सार का स्वाध्याय दुकान पे करते, और जैसे कोई कपड़ा लेने आया तो कहते भाई जो भी कपड़ा पसंद है वो आप ले लो और पेटी में पैसा डालो। सुपर मार्केट में ये व्यवस्था होती थी, परंतु इनके परिणाम सुपर थे, इसलिए उस समय भी सुपर मार्केट तीन चीन वस्त्र पहनकर जा रही तो उसको बुलाते और कहती साड़ी ले जाओ और अपने घर जाके पहन। इतनी करुणा जिसके अंदर है ग्रस्त अवस्था में, बातों की करुणा, करुणा के उपदेश, करुणा के भजन, करुणा की कविताएं बहुत सरल। कभी कितनी विरक्ति भाव से मैं कहती, यदि आज के समय कोई ग्रस्त कोई भी ग्रंथ नहीं पढ़ता, परंतु चार चक्रवर्ती ग्रंथ जरूर पढ़ना चाहिए। उनकी जीवन की एक एक घटना देखिए कितनी हृदय स्पर्शी है, कितने जीवन में परिवर्तन लाती है। खेत में काम चलता सिंचाई होती है, जैसे आज भी सिंचाई होती है, आज तक सिंचाई कैसे होती है, क्लोज का पंप प्लस इतना सशक्त शरीर होने के बाद भी करुणा कितनी थी।
स्वयं दो बैल को खड़े करके रहन को खींच लेते थे। फिर वैराग्य की ओर कदम बढ़ा, शिखर जी गए तो एक बुड्ढी माँ जी को कंधे पे बिठा के शिखर जी की यात्रा करा दी। अब मैं बता रही हूं, अभी की बात बता रहे जो सब ये आखिर हुआ कैसे। जीव का अपना पुण्य तो था ही, स्वयं का पुण्य तो था, साथ में क्या था, परिवार के सुसंस्कार। हमारा सौभाग्य उस घर में मेरे को आहार करने का तो अवसर मिला। हम भोज नगरी गए और कर्नाटक में एक व्यवस्था है, तो जाओगे इंडिया में वहां के घर जाती आज की तारीख में राजस्थान में भी है। तो आचार्य शांति सागर जी का जन्म वहां पर भी हम गए, वह कमरा पूरा भगवान को जीने से हो रहा, परंतु वह कमरा आज भी यथावत है जिस कमरे में उनका चल हुआ। तो ये रहा शांति सागर जी का आपकी अवस्था वाला जीवन। आप इस पर अगर विचार करें, क्या इसमें से मैं अपने जीवन वर्तमान में कुछ स्वीकार कर सकता हूं, कुछ अपने जीवन में उतार सकता हूं, क्या मात्र सुन के यही छोड़ दू। आचार्य शांति सागर जी आदि सागर जी थे, उस समय पूर्ण रूप से मुनियों का अभाव नहीं थी, बड़ी सीमित। यदा कदा कोई मुनि महाराज ने दीक्षा दे दी, वायदा में कल्पना कीजिए किसी खतौली के मुनि आश्रावक ने दीक्षा ली, पर वो खतौली में रहेंगे, कभी मंसूरपुर चले जाएंगे, कभी सलावा चले जाएंगे, बस वो मंदिर में रहते, कभी बाहर जाना ही। आचार्य शांति सागर जी ने कहा कि वो स्वयं मुनि लोग आहारचर्या के लिए शरीर को वस्त्र से आच्छादित करते, परंतु आचार्य शांति सागर जी ने इस आगम बिंदु परंपरा का पूर्ण रूप से उसका बहिष्कार किया। स्वयं आचार्या में उसी प्रकार गए जिस प्रकार की आगम में कथन, वह कभी भी शरीर को वस्त्र से आच्छादित करके नहीं गए। वह समय ब्रिटिश दौर में दिगंबर निर्ग्रंथ मुनियों के स्वतंत्र व्यवहार पर बंद टेंशन, परंतु आचार्य शांति सागर जी ने कहा कुछ भी दिगंबर मुनि किसी से रोके रोका नहीं है, विहार होगा। और आचार्य शांति सागर जी ने विहार किया, उसी का सुफल है कि आज हम भी विहार कर रहे हैं। मैं तो कहती ये सब्जेक्ट पीएचडी का सब्जेक्ट है, शोध का विषय है। काश शांति सागर जी नहीं होते तो क्या आप छाती ठोके कह पाते कि हम जैन हैं, शायद नहीं कह पाते। तुम्हें मुंह छुपा के जीना पड़ता, क्योंकि मंदिर चले गए थे, आगम चला गया था, मुनि परंपरा ने लुप्त प्राय हो गई थी और उसी के पहले भट्टारक प्रथा है। परंतु आचार्य शांति सागर जी ने अपनी चर्या को सुधारा और जीवन में उस घटना का जब हम चिंतन कहते भी तो शरीर रोमांचित हो जाता है। इनकी चर्या से इनके गुरु प्रभावित हुए और गुरु ने इनको अपना गुरु बनाया, इसलिए आचार्य शांति सागर जी का गुरु नाम गुरु। आचार्य शांति सागर जी के गुरु सिद्धप्पा सिद्धसेन स्वामी वह भी वस्त्र से आच्छादित करके आश्चर्य ले जाते। उनके गुरु महाराज ने कहा अब पहले समय से भूल वाले महाराज, खपली वाले महाराज, मुजफ्फरनगर वाले महाराज कैसे कहा जाता। तो उन्होंने कहा भोज स्वामी इधर आओ, लीला ऐसा नहीं होगा। उनका नहीं होगा, आदम ने जब लिखा है तो मैं करूंगा। इस प्रकार जो अपवाद मार्ग चल रहा था उसे पुनः राजमार्ग खोला। आचार्य शांति सागर जी ने हमारे ऊपर वह उपकार किया जो मां भी अपने बच्चे पर नहीं करती।
परंतु जैन समाज टीका टिप्पणी से कभी पीछे नहीं गई। उस समय भी आचार्य सांची सागर जी की लोगों ने टीका टिप्पणी करना नहीं छोड़ी। खतौली वालों का सौभाग्य है कि सन 25 में महाराज जी यहाँ चैत्र के महीने में फाल्गुन की अष्टमी का आचार्य सांची सागर जी ने हस्तिनापुर में थे और चैत्र के महीने में सलावा से होते हुए खतौली में आए। सप्त ऋषियों का सब और जिस समय महाराज ने दिल्ली में यहाँ विहार किया फ्रंट न्यूज पेपर फ्रंट पेज पर दी हो चुकी कि ऐसे जैन मुनि का विहार जो निरस्त्र रहते हैं। आपको सुन के आश्चर्य होगा ये पंजाब वाला एरिया हरियाणा जहाँ थोड़े बहुत जैन ही है सब अपने घर से लोग नाश्ता का डिब्बा और सोने के लिए दही चावल लेने के दिल्ली आए कि भाई महाराज जी के दर्शन जवान एक दिन में हो दो दिन में हो इतनी भीड़ लग रही कब दर्शन होंगे तो खाने के लिए भोजन और अपने सोने के लिए दरी चादर की व्यवस्था लेके ऐसा वो सावक था। उस समय आचार्य महाराज ने दिल्ली में बड़े बड़े स्थानों पर फोटो खिंचवाई। इस संसार में यदि लाल हंस है तो बंगला तो हमेशा से रहे। आचार्य शांति भगत जी का उद्देश्य था कि ये फोटो है तो भविष्य में प्रूफ रहेगा गवाह रहेगा कि जैन मुनि विचरण करते बड़े शहरों में। तो फिर लोगों ने टीका टिप्पणी की मुनि महाराज को बन गए फोटो खिंचवाने में बड़ा इच्छुक है महाराज। परंतु आज उस बात को सुफल आज महसूस होगा कि भारत में प्रेजेंट में एक हम कह सकते साउथ में तमिलनाडु पांडिचेरी ऐसे प्रांत है जहाँ दिगंबर सिंह मुनि के विहार पर गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई बंधन नहीं है फिर भी पब्लिक उस बात को पसंद नहीं करती है। बाकी जहाँ बहु प्रांतों में जैन मुनियों का विहार है तो उस सबका मुख्य कारण क्या है आचार्य शांति का। अब उनका व्यक्तिगत जीवन देखिए तो हो गया पर कल्याण समाज स्थान वाली बात। उन्होंने जिनवाणी की रक्षा के लिए क्या किया है मैंने कल आपको उद्देश्य बता दिया था और जिनवाणी की रक्षा 33 वर्ष मुनि रहे 25.5 वर्ष उपवास कितने दिन आहार किया 9.5 वर्ष 25.5 वर्ष उपवास किया। सियान स्त्रीलिंग व्रत भारत में आज तक कोई उन्हें 50-75 साल के इतिहास में दोबारा नहीं कर पाया। यदा कदा किसी मुनि ने प्रयास भी किया है तो पूर्ण नहीं हो पाया। सियान स्त्रीलिंग व्रत आचार्य ने 3 बार की अपनी जिंदगी में एक बार नहीं। सिमल स्त्री व्रत कैसा होता है एक उपास एक आहार दो उपास एक आहार तीन उपास एक आहार चार उपास एक आहार पांच उपास एक आहार ऐसे 15 उपास तक चढ़ना